देन मेन फैक्टर आता है इंटरेस्ट रेट। ओके, आप कहीं पे भी जाओ या किसी क्लाइंट को मिलो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, आपका रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट में दो अमाउंट कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट रेट में, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट वो चीज है जो प्रॉपरली आप लोन उठा रहे हो, लाइक माई लोन अमाउंट इज 60 लैक्स एंड आई डिसबर्स द अमाउंट इज 60 लैक्स, तो 60 लैक्स इज माई प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, और इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है, जो जो इंटरेस्ट उस अमाउंट पे उसे पे करना है, लाइक सपोज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.15%, 10.25%, 11%, तो दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट, 60 लैक्स, 50 लैक्स फॉर एग्जाम्पल, जो भी अमाउंट है उसे वो पे करना है इंटरेस्ट रेट। ओके, जो अमाउंट फंडिंग होती है वो डिसाइड जो करता है लेंडर, जो डिसाइड करता है लेंडर मीन्स जो बैंक होता है जो डिसाइड करता है अमाउंट, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इनकम, आपका टोटल इनकम कितना है, सैलरीड है तो मंथली इनकम कितना है, या बिजनेस से आपको आउटपुट कितना आ रहा है, आपने प्रॉफिट कितना शो किया हुआ है, ये सारी उस चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती है। देन लोन अमाउंट, योर लोन रीपेमेंट कैपेसिटी, आप कितने परसेंट तक लोन कैपेसिटी कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी ऑफ ₹1 लाख फॉर मंथ। ओके, वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द एनुअल पैकेज बिकॉज हम लोग मंथली कैलकुलेट करते हैं, तो मंथली पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लाइक सपोज द सैलरी इज ₹1 लाख, तो आप इमीडिएटली ₹1 लाख पे ₹1 लाख का ईएमआई नहीं पे कर सकते, बिकॉज जो सम पार्ट होता है कीप फॉर योर फैमिली और योर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें बैंक चेक करती है और इसे कितना परसेंट फंडिंग करना है ऑन सैलरी ये डिसाइड करती है, दैट इज द रीपेमेंट कैपेसिटी। ओके, देन द हाउस यू विश टू परचेज, ये डिपेंड्स करता है प्रॉपर्टी कॉस्ट पे भी, आप कितनी कॉस्ट की प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसके ऊपर कितना फंडिंग हो सकता है, मीन्स बोथ चीज आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज योर सैलरी एंड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, फॉर सैंक्शन एंड फॉर डिसबर्समेंट प्रोसेस। क्लियर, एनी डाउट सर? अभिषेक सर, इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहता है? ये हर बैंक पे अलग अलग डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट, बट जो मार्केट सिनेरियो होता है, मार्केट जो पोजीशन होती है उसके ऊपर कोई बैंक 0.10% या 0.15% का नॉर्मल डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि HDFC दे रहा है 10.5% से एंड SBI दे रहा है 11% से। नॉर्मल इज डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन, आप ऐसे बता नहीं सकते, बिकॉज जब होम लोन स्टार्ट किया था HDFC ने 35 ईयर्स पहले, तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे 14%, 15%, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होते गए 7% तक आ गया, आज की डेट में जो मार्केट सीनियर है उसमें 10%, 10.5% ऑफर किया जा रहा है, तो ये डिपेंड्स करता है। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स रेट होता है फॉर थ्रू आउट द टेन्योर, बट फ्लोटिंग और फिक्स रेट में डिफरेंस होता है, तो व्हाट इज फ्लोटिंग रेट, व्हाट इज फिक्स रेट, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, देन इंटरेस्ट रेट होता है, और वो डिपेंड्स कैपेसिटी पे करता है कि आपको कितना लोन फंडिंग हो सकता है। ओके, इंटरेस्ट रेट जो होता है, देर इज टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड इज अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द थ्रू आउट द 10-year पीरियड, एंड फ्लोटिंग रेट इज इट्स डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन, इट्स कैन वेरी टाइम टू टाइम। ओके, फिक्स रेट में भी आज का जो मार्केट है उसमें कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, कुछ बैंक्स ऑफर करती है फॉर 2 years फिक्स, फॉर 3 years फिक्स प्रोडक्ट्स, फॉर 5 years फिक्स प्रोडक्ट्स, फॉर 10 years फिक्स प्रोडक्ट। नॉर्मली फिक्स का जो डेफिनेशन होता है थ्रू आउट द 10 years फिक्स होता है, बट आज करके मार्केट सिचुएशन में जहाँ पे क्लाइंट्स को लग रहा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है, या मैं थ्रू आउट द 10 years अगर लोन लेता हूँ और इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होता है तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा, तो इस केस में बैंक्स ने कुछ ऑफर्स निकाले 2 years, 3 years, 5 years, सो क्लाइंट कैन चूज द रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिसाइड कर सकता है जिससे वो लगता है कि 2 years के लिए ले सकता है, 3 years के लिए ले सकता है। ओके, सो बट बेसिक पार्ट इज इंटरेस्ट रेट इज डिवाइडेड बाय 2 parts, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ओके, द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कोई चांस नहीं होता, बिकॉज दैट इज थ्रू आउट द 10-year फिक्स और वॉट एवर टर्म यू चूज, लाइक 2 years, 3 years फिक्स। ओके, बट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है जो डिपेंड्स करती है आर PLR पे।
ओके, जो बैंक्स एनएचबी के अंडर आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक से जो बैंक्स अंडर आते हैं, उसमें जो डिसाइड करता है दैट इज पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। ओके, प्राइम लेंडिंग रेट पे आपका रेट डिसाइड होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से सपोज द रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट इज 16.5%। ओके, तो बैंक उसके ऊपर कुछ मार्जिन कस्टमर को ऑफर करता है। ओके, ये लाइन दी हुई कि यहाँ तक आप रेट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बट एज पर द मार्केट कॉम्पिटिशन या कुछ चीजें होती है जो बैंक क्लाइंट को मार्जिन देता है। ओके, दैट इज 6% फॉर एग्जाम्पल, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%। ओके, जो ये मार्जिन होता है दैट इज द स्प्रेड, ये थ्रू आउट द 10 ईयर फिक्स होता है बहुत सारे बैंक्स में, या कंडीशन होती है कि टाइम टू टाइम दे कैन चेंज द मार्जिन ऑल्सो। ओके, तो डिपेंड्स करता है आरपीएलआर पे, आरपीएलआर जो होता है, अगर आरपीएलआर कहीं पे मूवमेंट हो रहा है तो ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। ओके, या फिर अगर स्प्रेड आपका चेंज हो रहा है तो ये डिपेंड्स करता है। लाइक जैसे जो बैंक्स आरबीआई के अंडर आती है, लाइक जैसे एसबीआई है, एक्सिस बैंक से, जो बैंकिंग सेक्टर्स में काम करती है दैट इज अंडर आरबीआई, तो उसमें बेस रेट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बेस रेट इज 10% प्लस 5% बैंक मार्जिन लेगी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%। सेम सिचुएशन में जो एनएचबी के अंडर आती है उसमें पीएलआर होगा, 16.5% इज पीएलआर, 6% इज मार्जिन, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5%। तो ये बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में डिफरेंट होता है। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपका फ्लोटिंग रेट क्या होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स बैंक का आरपीएल डाउन होता है 15.5%। ओके, बैंक गिविंग द मार्जिन 6%, आपने जब लोन लिया था बैंक ने आपको 6% का मार्जिन दिया था, दैट विल बी थ्रू टू 10 ईयर फिक्स मार्जिन, अगर है वो तो योर एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 9.5%। ओके, अगर ये एग्जाम्पल वेरी करता है 13% तक आ जाता है, योर मार्जिन इज 6%, देन योर एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 7%, ये आपका डाउन हो रहा है। सेम एग्जाम्पल ये अगर हाइक हो रहा है 17.5%, तो यहां पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो रहा है। ओके, सो दिस इज डिपेंड्स एंड दिस इज द कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग रेट। इसमें कोई डाउट्स है किसी को? ओके, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया है बेसिक्स ऑफ होम लोन्स, होम लोन्स के टाइप्स क्या है, होम लोन्स की प्रोसेस क्या होती है, देन इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं एंड प्रोसेस ऑफ होम लोन्स क्या होता है।